गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो हमारा मॉर्निंग का लाइव सेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है और जो जो बच्चे जुड़ते हैं तो वो अपनी तैयारी इसी तरह से जारी रखें। और अभी फ्री थे तो मैंने सोचा एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर, जो जो युद्ध हुए हैं, तो उनके सारे मैं फैक्ट्स क्लियर करूंगा आपको। तो ध्यान से इसे आप नोट करना और अपने नोट्स के ऊपर कॉपी करना। तो बिना देरी ना किए हुए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाइडेस्पीज की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? हाइडेस्पीज, ठीक है, तो इसकी बेटर डिटेल भी हम साथ साथ समझेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, हाइडेस्पीज की जो लड़ाई है 326 BC में हुई थी। कब हुई थी? 326 BC में। किसके बीच में हुई? अगर ये पूछे तो याद रखना, ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुई थी। सिकंदर और किसके बीच में हुई थी बेटा? तो याद रखना, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, कब लड़ा गया था? 326 BC पहले। इस युद्ध को कई और नामों से भी जाना जाता है। इस युद्ध को याद रखना, वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। वितस्ता, इसे वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं और इसके अलावा झेलम का युद्ध भी कहते हैं। झेलम का युद्ध, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो याद रखना झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेलस। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेलस। क्या नाम था? बुकाफेलस। और एक प्रश्न और पूछते हैं कि सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था, तो याद रखना सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। और सिकंदर की डेथ पूछे तो सिकंदर की डेथ हुई थी 323 BC में, यानी कि 323 ईसा पूर्व जो है वो सिकंदर की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगा वॉर किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंगा का युद्ध इतिहास में सबसे फेमस वॉर माना जाता है, तो ये किस वर्ष में हुआ था? तो याद रखना कलिंगा का वॉर 261 BC में हुआ था, 261 BC में हुआ था। अच्छा, अब आपसे पूछे किस किस के बीच में हुआ, तो याद रखना द ग्रेट किंग अशोक और कलिंग के राजा खाखेल के बीच में हुआ था। खाखेल, कुछ किताबों में खाखेल लिखा होता है और कुछ किताबों में नंदराज लिखा होता है, याद रखना नंदराज। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अशोक ने कलिंग का युद्ध अपने राजा बनने के कितने साल बाद लड़ा, तो याद रखना अशोक ने राजा बनने के 8 साल बाद युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के बाद अशोक ने तलवार सदा के लिए त्याग दी और बुद्ध धर्म को अशोक ने अपनाया। कौन सा धर्म? बुद्ध। और प्रश्न ये भी आता है कि बुद्ध धर्म में ले जाने वाले अशोक को कौन थे, तो याद रखना बुद्ध धर्म में ले जाने वाले अशोक को थे उपगुप्त। उपगुप्त ने बुद्ध धर्म की शिक्षा दी थी राजा अशोक को। अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्राइन का पहला युद्ध लड़ा गया, तो त्राइन का युद्ध वर्ल्ड फेमस है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। त्राइन का पहला युद्ध बेटा 1191 में लड़ा गया था। अब पूछा जाए किस किस के बीच में लड़ा गया, तो पृथ्वीराज चौहान, हम सभी को पता है, मैं शॉर्ट में पृथ्वीराज चौहान ही लिख रहा हूँ, पृथ्वीराज लिख रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान। और अगर दूसरा त्राइन का युद्ध पूछा जाए, सेकंड, तो सेकंड 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, और दूसरे युद्ध में जीता था मोहम्मद गोरी। और इस प्रकार से दिल्ली वंश से, दिल्ली जो सल्तनत थी उससे चौहान वंश का क्या हुआ, खात्मा हुआ 1192 में और गोरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। यहीं पर एक प्रश्न और बनेगा, वो आपने कमेंट में बताना है। मैंने अपनी मॉर्निंग की क्लास में ही वो आपको पढ़ाया है। इतिहास में बहुत बार ये पूछा जाता है कि त्राइन की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी, थर्ड बैटल ऑफ त्राइन। जब थर्ड बैटल ऑफ त्राइन, तो आपने कमेंट करके बताना है तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चंदावर की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो इसमें ज़्यादा हमने गहराई में नहीं जाना, बस मेन डिटेल करनी है। चंदावर की लड़ाई 1194 में हुई थी, किस किस के बीच? गोरी और जयचंद, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुई थी। कौन जीता था? मोहम्मद गोरी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की पहली लड़ाई। बेटा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। याद रखना पानीपत की आज तक टोटल 3 लड़ाई हुई हैं। कितनी लड़ाई हुई है? 3। और पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पहली लड़ाई 1526 में हुई, किसके बीच? तो याद रखना इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। कौन जीता था? बाबर जीता था इस युद्ध के अंदर। और याद रखना यहीं पर एक प्रश्न और बनेगा, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था, फर्स्ट किंग था इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। याद रखना है दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था इब्राहिम लोधी, जो युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ मारा गया। अगर आपसे पूछे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के बीच में हुई थी। 1556 किस किस के बीच में हुई थी? तो याद रखना अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में। एक और चीज़ याद रखना, हेमू जो था वो लास्ट हिंदू किंग था दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। लास्ट हिंदू किंग था, अंतिम हिंदू किंग था हेमू। और हेमू अपने नाम के आगे टाइटल लगाता था, टाइटल यानी कि उपाधि। किसकी उपाधि लगाता था? विक्रमादित्य। तो याद रखना हेमू को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इंडियन हिस्ट्री में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। कितने विक्रमादित्य हुए हैं? टोटल 14। और अगर तीसरी पानीपत की लड़ाई की बात की जाए, तो तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी 1761 में। कब हुई थी? 1761। किस किस के बीच में हुई थी? तो याद रखना मराठा, फिल्म आपने देखी होगी मराठा, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोसा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? बैटल ऑफ चोसा। तो इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले बैटल ऑफ चोसा कब लड़ा गया? 1539 में लड़ा गया। किस किस के बीच में लड़ा गया? हमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया था। शेर खां इस युद्ध में कौन जीता था? तो याद रखना इस युद्ध में शेर खां जीता। और जब शेर खां ये युद्ध जीत गया, तो शेर खां ने अपना नाम रख लिया शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी नाम रख लिया था अपना। इस बात को अपने याद रखना है, ये वही शेर शाह सूरी है जिसने बनवाया था दिल्ली से लेकर अमृतसर तक नेशनल हाईवे नंबर 1, जिसको आज हम बोलते हैं शेर शाह सूरी मार्ग। ठीक है, बैटल ऑफ चोसा किन दो नदियों के बीच में लड़ा गया, ये भी प्रश्न आता है। तो दो नदियों के बीच में लड़ा गया था बैटल ऑफ चोसा, एक करमनाश और दूसरी गंगा। करमनाश और गंगा नदी के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध। लगभग ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर लड़ा गया था, याद रखना। और फिर से एक युद्ध लड़ा गया था 1540 में। 1540 में फिर से एक युद्ध लड़ा गया था हुमायूं और किसके बीच में? शेरशाह सूरी के बीच में, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है। बैटल ऑफ बिलग्राम, याद रखना दोनों युद्ध कौन जीता था? दोनों के दोनों युद्ध शेर शाह सूरी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलग्राम का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था, तो वही क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ कब लड़ा गया था, 1540 में लड़ा गया था। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध हुआ। इसमें मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा। दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का।
तो जो भाई थे हरिहर और बुका, इन दोनों भाइयों ने 1363 में एक नई डायनेस्टी बनाई थी विजयनगर। आप सब ने सुना होगा विजयनगर। हरिहर और बुक्का ने 1336 में एक नई डायनेस्टी बनाई थी जिसका नाम था विजयनगर। तो इस युद्ध का संबंध कौन सी डायनेस्टी से है? विजयनगर डायनेस्टी से है। ये युद्ध लड़ा गया था बेटा 1565 में, 1565 में लड़ा गया था, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया था? खत्म हो गया था। इस युद्ध को दो और नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को राक्षी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षी तांगड़ी, इसे राक्षी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, या इसे क्रश्चन का युद्ध भी कहते हैं, क्रश्चन। तो ये तीनों एक ही युद्ध है, तालीकोटा, राक्षी तांगड़ी या क्रश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो सभी को पता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया। किस किस के बीच? अकबर और भारत के महान राजा कौन बेटा? तो आप सभी को पता है महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। याद रखना अकबर इस युद्ध में कभी नहीं आया। अकबर ने दो व्यक्तियों को भेजा था, एक तो अकबर का बेटा जो था सलीम। अकबर कभी भी हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं आया। हल्दी घाटी के युद्ध में सलीम आया था, और कौन आया था? तो याद रखना अकबर का सेनापति मान सिंह आया था। तो अकबर खुद इस युद्ध में नहीं आया था लड़ने के लिए, याद रखना। 1556 में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। और अगर हम अकबर की बात कर रहे हैं तो अकबर की जिंदगी का एक और महत्वपूर्ण युद्ध है, याद रखना, 1572 में अकबर ने युद्ध लड़ा था गुजरात में। इस यहां से कई क्वेश्चन आते हैं, गुजरात को जीतने के बाद ही अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, तो ये आपने याद रखना, बुलंद दरवाजा कौन सी जीत के बाद बनाया था? तो गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा बनवाया था। और इसी गुजरात विजय पर अकबर ने पहली बार समुंदर देखा था। अकबर ने पहली बार समुंदर के दर्शन यहीं किए थे, इससे पहले अकबर ने समुंदर नहीं देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? बेटा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1557 में, ठीक है। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ये महत्वपूर्ण है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व किया था लॉर्ड क्लाइव ने। तो ये आपने याद रखना है जो पॉइंट है, 1757 में ये युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया? तो बैटल ऑफ बक्सर डायरेक्टली आंसर बनेगा 1764 में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा मैसूर युद्ध किस वर्ष हुआ था? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। तो बेटा याद रखना, जो मैसूर है, मैसूर के जो फाउंडर थे वो थे हैदर अली। तो मैसूर के टोटल कितने युद्ध हुए? चार। पहले में हैदर अली लड़ा था, दूसरे में हैदर अली लड़ा था, तीसरे युद्ध में हैदर अली का बेटा टिप्पू सुल्तान लड़ा। बात कौन से युद्ध की हो रही है बेटा? चौथे युद्ध की। तो चौथा युद्ध हुआ था 1799 में, और इसमें भी कौन लड़ा था? टिप्पू सुल्तान। और याद रखना चौथे मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये आपने याद रखना है, टोटल कितने युद्ध हुए? चार। पहले दो में हैदर अली लड़ा और लास्ट दो में टिप्पू सुल्तान लड़ा, और 1799 में टिप्पू सुल्तान की क्या होती है? मृत्यु होती है इस युद्ध में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, दूसरा सिख युद्ध किस वर्ष में हुआ था? सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो याद रखना 1848 से लेकर 1849 के बीच में हुआ था सेकंड एंग्लो सिख वॉर। तो बेटा आई होप आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा, और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा तो वो नोट कर लो, विशेषदीप जीके क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम से आप जुड़िए। आपको हर वीडियो का पीडीएफ उस ग्रुप में मिलेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। जुड़े रहिए मेरे साथ, और
लगातार स्टडी कीजिए, आपको लगातार लेक्चर मिलेंगे। लॉकडाउन में घरों में रहिए। जय हिंद।